हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आ जाओ सब। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कल हमने फर्स्ट क्लास इसके ऊपर की थी, और आज जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा ब्रीफ में, काफी सारी बातें आज करवा दूंगा जिससे काफी हद तक चैप्टर कंप्लीट होने में आ जाएगा, ऐसा समझ लेना। तो हमने कल पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा है भाई, याद है किसी को? 1872। बहुत बढ़िया। कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में ये कानून? 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ था। कल वाला काम थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जो बच्चे कल नहीं आए थे, ताकि उनको सही से समझ में आ जाए। कौन कौन एब्सेंट था कल? एक, दो, तीन, ठीक है। आप भी नहीं आए थे कल? चलिए, तो मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या बताया था? एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ या एट लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे पहले क्या समझना था कि एग्रीमेंट क्या होता है भाई। तो एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको बताई थी दो पार्टी होती हैं कम से कम, एक होता है ऑफरर, ठीक है, मान लो इसका नाम है टिल्लू, और एक है, चलो चिल्लू मान लो। तो ये बंदा इसको ऑफर करता है कोई किसी काम को करने का। हाँ भाई, मैं मेरी बाइक बेचना चाहता हूं 3 लाख रुपए में, खरीदोगे? तो मैंने आपको क्या किया? ऑफर किया, ठीक है। तो मैं कौन हूं? ऑफरर। और आप कौन हैं? ऑफरी, जिसको ऑफर किया गया है। अब ऑफरी के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, या तो वो यस कर सकता है कि हाँ जी मैंने काम करना है ये, या वो मना भी कर सकता है। अगर मना किया तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, और वो बोलता है यस मेरे को ये काम करना है, तो हम बोलते हैं उसने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दिया, अपना सहमति दे दी। तो ऑफर हो गया प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, तो क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया है, ठीक है। और जैसे ही ऑफरी एक्सेप्टेंस दे देता है तो ये क्या बन जाता है भाई? एक्सेप्टर बन जाएगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एक पार्टी करती है ऑफर, दूसरी पार्टी करती है एक्सेप्टेंस, तो दोनों के बीच में बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहां तो हमने बात की थी बाइक बेचने की, बात हो रही है। ऑफर तो किसी भी चीज का हो सकता था, एग्रीमेंट किसी भी चीज का हो सकता है। अब अगर मान लो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, अब टिल्लू बाद में बाइक बेचने से मना कर दे, तो इस केस में चिल्लू क्या कर सकता था? कोर्ट में जाके उस काम को पूरा करवा सकता है। तो इसे बोलते हैं एनफोर्सेबल एट लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कि अगर कोई पर्सन अपनी बात से पीछे हट जाए तो हम उसको कोर्ट से जाके क्या कर सकते हैं? पूरा करवा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये एक बंदा है, टिल्लू गया कालू के पास, कालू दादा, ठीक है, इसके पास गया मान लो, इसको बोलता है कि भाई एक बंदा है वो मेरा दुश्मन है, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, उसको जान से मार देना, ऑफर किया। तो कालू क्या बोला? कर देंगे भाई, कर देंगे, यही काम है अपना, ठीक है, डन हो गया एक्सेप्टेंस। और अगर अब ये काम पूरा ना करे तो क्या ये टिल्लू कोर्ट में जा सकता है?
जी मैंने 5 लाख रुपए दिए थे जान से मारने के लिए, इसने काम पूरा नहीं किया, इसको बोलो काम पूरा करे मेरा, हो सकता है क्या? इलीगल काम है ना, तो ये एग्रीमेंट तो बना लेकिन क्या नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसको कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता। तो वही वाले एग्रीमेंट जिसको कोर्ट से लागू करवा सकते हैं क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जिनको कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। समझे कि नहीं समझे भाई? क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए भाई? आज बस ये 10 ही बातें सीख लोगे, 9-10 होंगी तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, 8 ही है बल्कि यहां। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हिमांशी, कनिका, रितु, गगन और बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? जो लोग यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। चलो देखो, एन ऑफर और प्रपोजल मतलब एक ही है भाई, ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो, बाय वन पार्टी। कौन है ये वन पार्टी? ऑफरर। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी। कौन है ये अनदर? ऑफरी। रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, इससे क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। समझ आई बात? अभी सिखाया आपको कि एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करेगी, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन गया। कंसेंसस एड आइडम, क्या मतलब बताया था इसका कल? मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी जिस बात के लिए ऑफर किया गया उसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका मीनिंग क्या होता है। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। हां जी चेष्टा, गुड मॉर्निंग सरिता, अजय, कर लिया नोट? कल जब क्लास होगी, कितने 9 से 9 से क्लास होती है ना, तो 1 बजे जब क्लास खत्म होगी आप सबको मैं लंच पे लेके चलूंगा कल, तो खाना वाना मत लेके आना साथ में भाई, ठीक है? तो मान लो मैंने ऐसा तुम्हें बोल दिया, अब कल क्लास हुई है ना, एक दो तो भाई बोला सर यार लंच पे लेके चलेंगे, आज शाम को भी खाना नहीं खाया, कल सुबह भी नाश्ता नहीं करके आए, भाई सर लंच कराएंगे है ना, होटल में खाना खाएंगे वजह से। तो ऐसा मैंने बोला, और अगर मैं आपको लंच पे ना लेके जाऊं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? कोर्ट में केस कर दोगे? नहीं। यहां पे दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होते हैं बच्चों सोशल मैटर और एक होते हैं डोमेस्टिक मैटर। एक होंगे सोशल मैटर, एक होंगे डोमेस्टिक मैटर। क्यों क्यों जा रही है? ठीक है जाओ बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाओ। तो एक है सोशल मैटर, एक है डोमेस्टिक मैटर। सोशल मैटर कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा, या कई बार ऐसा होता है कि आपके घर पे कोई शादी का कार्ड देने आया, जी फलानी फलानी डेट को शादी है तो आ जाना, आप क्या बोलते हो? हाँ हाँ आएंगे जी, आएंगे जरूर आएंगे, सब आएंगे जी, जाता कोई भी नहीं घर में से। ऐसा होता है? कई बार नहीं होता। तो जब वो कार्ड देने आया था, उसने ऑफर किया, तुमने बोला हाँ सर आएंगे, एक्सेप्टेंस हो गया। अब अगर शादी में नहीं जाओगे तो अगले दिन आ जाएगा, भाई तूने बोला था आऊंगा, 600 रुपए की प्लेट तेरा 600 रुपए दे दो, आया नहीं, ऐसा क्या? कोर्ट में केस कर देंगे। ये सोशल मैटर है भाई,
ऐसे मैटर में, या घरेलू बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हो रही है कि चलो ठीक है कल मूवी देखने चलेंगे, नहीं जा पाए तो कोर्ट केस थोड़ी हो जाएगा। तो ये जो मैटर होते हैं सोशल डोमेस्टिक, यहां क्या कह रहा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता, लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन नहीं होती है, वो वैसे ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एग्रीमेंट को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या जरूरी है कि उसमें ये हो कि ये बंदे इस काम को लीगली पूरा करना चाह रहे थे। जैसे मैंने और आपने मिलकर पार्टनरशिप कर ली, 5-5 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो मजाक चल रहा है कोई? साफ साफ दिख रहा है हमारी इंटेंशन क्या है भाई, बिजनेस करने की है, लीगल रिलेशन क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर किसी एग्रीमेंट से ये पता लग रहा है कि ये ऐसे ही मजाक में की गई बात है, या कोई सोशल मैटर पे बात है, डोमेस्टिक मैटर पे बात है, तो उस केस में कोर्ट केस नहीं होगा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कौन खरीदेगा 5 रुपए में? हाँ अभी भी मना कर रहा है, देख ले 5 रुपए में दे रहा हूं फिर भी, ठीक है। अच्छा इसको पता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, हाँ। तो जब पता है मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो मतलब क्या पता है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है। मान लो मैंने कह भी दिया खरीदेगा भी 5 रुपए में, उसका हाँ खरीदूंगा, और बाद में नहीं बेचूंगा तो क्या मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो ऐसे मजाक की बात थी भाई। तो जब हमें पहले से ही पता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमारी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी हो गया, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। समझ गए, इंटेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, अगर आपने पूरा नहीं किया किसी काम को तो कानूनी परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हैं। समझ गए। फिर कहता है एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन। अनीशा कंसीडरेशन क्या होता है बेटा? कल आए थे? हाँ तो बताओ, कल बताया था मैंने ये। अरे रुक जा भाई, तो अनीशा है क्या? हाँ जी बताओ बेटा। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या हुआ? हाँ जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जैसे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या कल लंच पे जाना है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप लोगों ने फीस दी, वो तो एकेडमी को दी, वैसे मेरा और आपका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं देखा जाए तो। वो तो नहीं, नहीं मैं तो यहाँ भाई जॉब करता हूँ, मेरी एकेडमी नहीं है, है ना, तिलक सर मालिक है यहाँ पे, तो भाई है तो क्या भाई का मतलब कोई ऐसे थोड़ी कि वो मालिक तो मैं भी मालिक हो गया, है ना। तो भाई ऐसा है, अगर आपने एकेडमी को फीस दी है तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एकेडमी आपको CSET के एग्जाम के लिए पढ़ाएगी, यही बात है। तो आपके लिए कंसिडरेशन पढ़ाई जो सर्विस आपको मिल रही है, और एकेडमी के लिए कंसिडरेशन क्या है, फीस पैसा। मैं मेरी बाइक आपको बेच दूंगा तो आपके लिए कंसिडरेशन बाइक, मेरे लिए कंसिडरेशन के बदले में मिलने वाला पैसा। दोनों तरफ से जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैं मेरी बाइक आपको दे दूंगा कल, रख लेना, और मैंने नहीं दी, फिर तुम कोर्ट में चले गए, सर ने बोला था बाइक दे देंगे, दी नहीं है, तो कोर्ट बोलेगा तुमने क्या किया बदले में? सर हमने तो कुछ नहीं किया, पर सर ने कहा था, बोला चल फिर घर जाके सो जा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो बदले में कुछ करो भाई, ऐसे थोड़ी, समझ पा रहे हो। तो कंसीडरेशन जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा ना, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कंसीडरेशन नहीं है तब तक क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन कंसीडरेशन मैंने बोला होना चाहिए, एडुकेट कंसीडरेशन होगा ये जरूरी नहीं है, उचित कंसीडरेशन होगा ये जरूरी नहीं है। कोई चीज को मैं सस्ते में बेचूं, मैं जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर एक बाइक ली थी 2,60,000 रुपए की, अब मैं उसको बेचना चाह रहा हूं, तो क्या मैं उसको 1,00,000 रुपए में बेच सकता हूं, 50,000 में बेच दूं, 10,000 में बेच दूं, 5,00,000 में बेच दूं? क्यों ना बेचूं भाई, मेरी मर्जी। अगर कोई खरीदने वाला तैयार है तो कानून ये बोलेगा भाई तूने खरीदे तो 2,50,000 के दे, 5,00,000 के क्यों बेच रहा भाई तू? तो कानून ये नहीं कहता
कि कंसीडरेशन कम है या ज्यादा है। कानून कहता है कंसीडरेशन होना चाहिए बस, क्योंकि कंसीडरेशन कितना होगा ये तो पार्टी की मर्जी है ना। कानून तो क्या बोला, सिर्फ कंसीडरेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए तो बातें नहीं हो रही, तो कम हो ज्यादा हो इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो कंसीडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं होता, बट कंसीडरेशन का होना जरूरी होता है। समझ गए। इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया ना आपको कि कोई कंसीडरेशन तो क्या नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ केस में कंसीडरेशन नहीं होता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। वो बहुत रेयर केस होते हैं, 5-6 केस होंगे। जैसे एक केस बता देता हूं, गिफ्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो बदले में कुछ कंसीडरेशन देना ये जरूरी नहीं होता है, तो गिफ्ट वो कंप्लीट माना जाता है। जैसे मान लो मेरे बेटे को मैंने, मेरे पास को जमीन पड़ी है वो मैंने गिफ्ट में दे दी, तो उसने बदले में मेरे को पैसा दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। समझे कि नहीं समझे। तो कुछ एक्सेप्शन है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट जनरल रूल क्या है, कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है। ये ऑनलाइन वाले बच्चों तुम सो जाते हो क्या रे, ना कुछ पूछते हो ना कुछ, और चुपचाप बैठे रहते हो बस। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, कंसीडरेशन भी क्या होना चाहिए, लॉफुल। जैसे अभी एग्जांपल पढ़ा था हमने यहां वाले केस में, इसने इसको 5 लाख दिए, तो कालू के लिए कंसीडरेशन क्या है, 5 लाख, और टिल्लू के लिए कंसीडरेशन क्या है, वो उसको मारने के लिए बोला था, मारना लॉफुल है क्या, तो वो कंसीडरेशन नहीं मानेंगे भाई। समझ पा रहे हो, कंसीडरेशन होना भी कैसा चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। 3 बातें समझ में आ गई, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होगा, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। इसके बाद बात आती है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। लीगली कैपेबल मतलब कि कानून जिसको बोलता है कि हाँ हम तुम्हें कह रहे हैं तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। कुछ लोग हैं जिनको कानून ने मना किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें कौन कौन आते हैं, नंबर 1 आता है माइनर। ठीक है, नंबर 1 पे कौन आया, माइनर कौन होता है भाई, जो भारत में है तो 18 साल से कम, किसी देश में कुछ और भी एज हो सकती है, भारत में 18 साल की एज है। ठीक है, आशा को होने जाओ भाई, है नहीं कोई आशा तो यहां है क्या, अच्छा जाओ। तो माइनर को क्यों मना किया गया, कानून मानता है कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग होंगे उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले बेनिफिट या लॉस को वो समझ पाए। जैसे कोई बालक, छोटा बालक है, मैंने मेरे बेटे को भी साइकिल दिलाई है, मान लो 25,000 रुपए की साइकिल दिलाई, वो साइकिल लेके चला गया चलाने के लिए, बाहर कोई आ गया बोलता ले बेटा चॉकलेट ले ले साइकिल दे दे, दे देगा बालक, उसको क्या ही पता। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, कंसीडरेशन भी है दोनों तरफ से, उसने साइकिल दी उसने चॉकलेट दी। और ये बात भी मैंने बताई कि कंसीडरेशन का उचित होना कोई जरूरी नहीं होता, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन वो बालक है उसको क्या पता क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। तो इस केस में क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो क्या होना चाहिए, जिस बंदे से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बंदा लीगली कैपेबल होना चाहिए, माइनर नहीं मेजर होना चाहिए। तो पहला बंदा कौन है भाई, माइनर जो नहीं कर सकता। दूसरा कौन नहीं कर सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका दिमाग ठीक नहीं है, और दिमाग नहीं नहीं नहीं, मेंटल तो ठीक है, मेंटल जे पार्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा नशे में है, ठीक है, हाँ खूब सारी दारू पी रखी है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बहुत सारे दारू पी ली, वैसे तो मैं पीता नहीं हूं कभी, ठीक है, तो नशे में मैंने फोन किया तुम सबके पास एक एक, भाई तुम्हारी सबकी एग्जीक्यूटिव की फीस है ना 5,000-5,000 रुपये होगी, सिर्फ 5,000-5,000 में पूरा एग्जीक्यूटिव करा दूंगा तुम्हें, ठीक है,
तो उस समय पे जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे को पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूं, इसका मेरे ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। तो कानून कहता है भाई ऐसी बातें वही डैन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पर्सन पागल है, ठीक है, अनसर्टमेंट का मतलब क्या कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय पे उसका दिमाग अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले बेनिफिट या लॉस को नहीं समझ सकता तो हम मानेंगे वो पर्सन क्या है, वो अनसाउंड माइंड है। इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं, कोई मेंटल हो गया, कोई पागल हो गया है, या कोई ऐसा है जो कभी कभी पागल हो जाता है कभी कभी सही हो जाता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो जब वो सही है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ठीक मान लेंगे, जब पागल चल रहा है तब नहीं मानेंगे। कोई पर्सन नशे में है, कोई पर्सन मान लो किसी का ऑपरेशन करना है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, होश में नहीं है, तो भी क्या मानेंगे, उस समय पे वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड कब चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने के समय पे उसका दिमाग कैसा है ये देखना है, समझे। और तीसरा आता है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे बंदे जिनको कानून ने मना कर दिया कि भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, जैसे जेल में बंद हुआ बंदा, जो बंदा जेल में बंद है आजीवन कारावास हो गया, उससे क्या ये एग्रीमेंट कर लोगे तुम भाई, कैसे पूरा कर देगा वो। इनसोल्वेंट, किसी का दिवालिया हो गया, पहले से दिवालिया निकल गया, तो दिवालिया बंदा क्या कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता वो। एलियन एनेमी, विदेशी शत्रु, कानून ने मना किया है नहीं करना एग्रीमेंट इससे। तो ऐसे कुछ कैटेगरी के लोग हैं भाई, ये तीन तरह के लोगों के बारे में बताया है कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर चार क्या कहता है कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट जिसे कर रहे हैं वो लीगली कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जरूरी है। बोलो समझ आया कि नहीं आया भाई। कौन कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं कर सकता, कौन है माइनर, क्यों नहीं कर सकता, हाँ भोला प्राणी है, उसको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा भाई इससे, है ना। वैसे तो आजकल के 18 साल के बच्चे तो मतलब बहुत तेज हो जाते हैं, है ना। हाँ तुम भी सारे 18 साल के ही हो गए लगभग लगभग, और क्या, या हो गए 18 के, कितने माइनर हैं तुम में से। हाँ लड़कियां तो सारी हाथ उठा देंगी, हाँ 3 साल बाद पूछेंगे ना लड़कियों से तब भी कह देंगे हाँ हाँ सर माइनर ही है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब ऐसा पर्सन जिसका कॉन्ट्रैक्ट करने के समय पे दिमाग समझ नहीं सकता बातों को कि मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उससे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है, और डिसक्वालिफाइड जो कानून ने मना करके। फिर आता है जी जेन्युइन कंसेंट। जेन्युइन कंसेंट को भी बोल सकते हैं, फ्री कंसेंट भी बोल सकते हैं इसको। फ्री कंसेंट को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र सहमति। फ्री कंसेंट होना चाहिए, हमने ऑफर किया, सामने वाले ने क्या किया, सहमति दी कि हां मैं ये काम कर लूंगा। तो फ्री कंसेंट कब होता है, जब 5 बातों का यूज ना किया गया हो। कौन कौन सी 5 बातें, नंबर 1 को बोलते हैं कोर्शन। नंबर 2 होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये पूरा सारा कुछ आएगा अभी चैप्टर में आगे, बट मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरा अभी सिखाई दूं ये। नंबर 3 है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4 है बेटा फ्रॉड, और नंबर 5 है मिस्टेक। कोर्शन को हिंदी में कहते हैं उत्पीड़न या बल प्रयोग करना, समझ गए, बल प्रयोग। किसी के पास गए, हाँ भाई ये काम करोगे, कहता नहीं, तुमने चाकू निकाल लिया इधर पेट में लगा दिया, बोल भाई करेगा, हाँ 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 करूंगा। तो तुमने क्या किया, बल प्रयोग करके सहमति ली है, वो फ्री नहीं है कंसेंट उसकी, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक टाइप से ब्लैकमेल टाइप करना, ऐसा समझ लो
दो पार्टी होंगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने का मतलब जैसा मैं चाहूंगा वैसा तुम करोगे। जैसे मान लो मैं कोई बाबा हूं और तुम मेरे चेले हो सारे, है ना, तो जो बाबा कहते हैं वो चेले चुले मान लेते कि नहीं मान लेते भाई, है ना, कि ऐसा करना, हाँ भी चलो कर देंगे। तो जैसे अपने वो निर्मल बाबा, वो हरी चटनी लाल चटनी वाले देखे होंगे टीवी में, कृपा रुकी हुई है, गोलगप्पे खा लियो लाल चटनी से ठीक हो जाएगी। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो दसवंध निकलवाते हैं। दसवंध मतलब तुम्हारी जितनी इनकम है उसका 10% हिस्सा निकाल के मेरे को दे दिया करो, कृपा नहीं रुकेगी, है ना। तो अगर कोई बाबा अपने चेले को ये बोल दे कि भाई कुछ गलत, भाई तू, तेरे पास जमीन है 5 करोड़ की, तू मेरे को 5 लाख में बेच दे, और कोर्ट में वो ये बात प्रूव कर दे कि इस बंदे ने तो अपनी डोमिनेटिंग विल का यूज करके मेरे से काम कराया है, तो वो कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। गुरु चेला या वकील और उसका क्लाइंट, मास्टर सर्वेंट, टीचर स्टूडेंट, ये कैसे रिलेशन है कि एक बंदा कहां होता है स्ट्रॉन्ग पोजिशन में और दूसरा कहां होता है वीक पोजिशन में। स्ट्रॉन्ग पोजिशन वाले बंदे ने अपनी पोजिशन का यूज करके उसे हां भरवा लिया, तो उस केस में क्या हो गया भाई, गलत बात है ना ये। तो जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूं, ये आ गया मेरे पास, डॉक्टर साहब मेरे को ना रात को नींद नहीं आती, है ना, तो मैंने चेकअप चुकअप कराया भाई, मैं बोला तेरे तो कुछ ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, और मैंने अगर दुनिया को बता दे तेरी बेइज्जती हो जाएगी खूब बहुत सारी, अब जिसको मैं ब्लैकमेल करता हूँ तू ये काम कर दे तो बता दूंगा सबको, तो ये क्या है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है भाई, समझ गए। तो जो कंसेंट है क्या ये अपनी मर्जी से स्वतंत्र सहमति दे रहा है ना, मैं इसको ब्लैकमेल कर रहा हूं तब कर रहा है ना, हाँ। तो ये तो कोर्शन में तो क्या किया हमने, डराया धमकाया, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को किडनैप कर लूंगा, है ना, तेरी फैक्ट्री में आग लगा देंगे, ऐसे कुछ भी, मतलब डराना धमकाना। और अंडर इन्फ्लुएंस में डराना धमकाना नहीं होता, आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, अपनी पावर का यूज करके आप दूसरे के विल को अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रहे हो। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रहा है क्या तुम्हें, बताओ भाई, बताइए जल्दी से, शाबाश, कोई डाउट है कुछ पूछना है तो बताओ। फर्स्ट पॉइंट में ये है बेटा, यहाँ तो बस ऑफर होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करेगी तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। अंडू इन्फ्लुएंस से पहले फर्स्ट पॉइंट बेटा ये कोर्शन, कोर्शन मतलब बल प्रयोग करना या उत्पीड़न बोलते हैं एक्चुअल हिंदी जो मीनिंग है, किसी को डराना धमकाना टाइप। फिर आता है जी मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें जब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तो मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा जिसको सुन के आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। अब जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं वो है तो झूठ, बट मैं मानता हूं कि वो सच है। जैसे मान लो ये दोनों लोग आए यहां पे, वे कहते हैं हम दोनों रियल ब्रदर हैं, हमें यहां पे एडमिशन लेना है, तो मेरी नॉलेज में तो क्या बात है, दोनों भाई हैं ये, जबकि असली में दोनों भाई नहीं है। अब मैं किसी बंदे को कुछ कह रहा हूं और मैंने बोला मेरे पास है ना आज वो दोनों भाई हैं, वो आए हैं पढ़ने के लिए, तो जो बात मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से तो वो बात क्या है, सही है भाई, लेकिन असली में वो बात क्या है, झूठ है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको मेरी बाइक सेल करना चाहता हूं और मैं जब बाइक को चला के लेके आया
उसका हॉर्न बिल्कुल सही काम कर रहा था। बाइक चलाते चलाते मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हॉर्न खराब हो गया, मेरे को हॉर्न दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने लाके यहाँ एकेडमी पे खड़ी कर दी। अब आप मेरे पास आए, सर बाइक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हॉर्न चलता है? मैंने बोला हाँ हाँ चलता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सच है कि झूठ है? मेरे हिसाब से तो सच है, बट असली में क्या है? क्योंकि खराब तो हो चुका है, तो मैं तो गलत तो नहीं कर रहा था ना देखा जाए तो। लेकिन फिर बाद में अगर पता लगा ये खराब था, तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या होगा? फोन खराब हो गया था, मेरे को पता है कि खराब हो गया, फिर आपने पूछा ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है। यानी फ्रॉड में मैं जानबूझ के झूठ बोल रहा हूं, और मिस रिप्रेजेंटेशन में अनजाने में मैं झूठ बोल रहा था। इतना सा फर्क है दोनों में बस। और दोनों ही केस में आपके पास क्या राइट आ जाएगा कि आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल करवा सकते हैं। समझ आया कुछ? क्या मिस्टेक? जिस बात के लिए मैंने ऑफर किया, जैसे मान लो मेरे पास दो गाड़ी है, एक है एमजी हेक्टर और एक है मेरे पास मारुति स्विफ्ट। अभी तो मैं कहता हूं मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं, खरीदोगे क्या 4 लाख रुपए में? तो आपने सोचा कि सर एमजी हेक्टर की बात कर रहे हैं और मैं बेचना चाह रहा हूं स्विफ्ट, तो मैंने ऑफर तो किया था स्विफ्ट के लिए, आपने एक्सेप्टेंस किसके लिए दे दिया? तो यहां तो मिस्टेक हो गई ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, जीरो वैल्यू है भाई उसकी। दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो वो एग्रीमेंट बनेगा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कोई मतलब नहीं है उसका। समझे कि नहीं समझे? तो फ्री कंसेंट कब नहीं होगी भाई? जब 5 में से किसी भी एक बात का यूज हो गया है। क्या क्या बातें बताई? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। समझ गए? इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल। ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पज, कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर रहा हूं वो किस पर्पज के लिए कर रहा हूं, ठीक है? वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक घर किराए पे लेना चाहता हूं, आपके पास घर है, मैं वो किराए पे लेना चाहता हूं, ले सकते हैं क्या? कुछ गलत है क्या उसमें? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैंने आपको बताया यार मैं ना मैच के सट्टे खिलवाता हूं, तो मजाक कर रहा हूं कभी असली समझ लो, तो मेरे को ना कोई जगह नहीं है यार, तो तुम्हारा ये घर मेरे को किराए पे दे दो, मैं यहां मेरे 5-7 बुकी बिठा दूंगा, वो यहां मैच के सट्टे खिलवाया करेंगे। तो जो पर्पज है उसको रेंट पे लेने का, क्या वो लॉफुल है? तो वो एग्रीमेंट भी क्या होगा? वॉइड है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं बाद में मना कर दूंगा, मैं नहीं देता, तो तुम कोर्ट में चले जाओगे जी मैंने इसको बोला था सट्टे लगाने के लिए, यहां बैठने के लिए जगह चाहिए, इसने मना कर दिया, अब इसको बोलो मेरे को दे दे ये मकान, चलेगा क्या? नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है या पब्लिक पॉलिसी के क्या है अगेंस्ट है, तो उस केस में उसको भी हम लोग पूरा कोर्ट से जाके नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? किराया लेके मना कर देगा तब भी किराया वापिस हो जाएगा, लेकिन मकान के लिए बाउंड नहीं कर सकते, एग्रीमेंट जीरो है। समझ गए? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, सर्टेन भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने CSEET फर्स्ट टाइम में क्लियर किया तो आपको अकेडमी की तरफ से कुछ मिलेगा। अब तुम, मैंने एग्रीमेंट कर लिया, तुम बोले हाँ ठीक है, अब तुम पास हो गए, अब तुम आगे लाओ सर देव कुछ, अब आपने बोला था कुछ तो मिलेगा, मैंने कुछ किया नहीं, तुम कोर्ट में चले गए, सर ने बोला था कुछ तो मिलेगा, कुछ तो दिलवाओ, कोर्ट क्या बोलेगा? कुछ तो देओ भाई। मैंने बोला ठीक है कुछ तो दे देंगे, क्या कुछ भाई, क्लियर नहीं है ना बात। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है, कोई मतलब नहीं है इनका। जो बात हो रही है वो क्लियर बात होनी चाहिए भाई, समझे कि नहीं? जैसे मैं कह दूं
कि ठीक है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं मेरी बाइक तुम्हें बेच दूंगा, तो भाई भाव कितना है, प्राइस क्या है, बात तो पूरी करो ना। मैंने खाली क्या बोल दिया, मैं बाइक बेच दूंगा, अब कल को मैं ना बेचूं, तुम कोर्ट में जाओ तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई तुमने बात ही पूरी नहीं करी, टर्म ही क्लियर नहीं है यहाँ, तो कितने की बेचेगा ये तो बात ही नहीं हुई, तो उसको पूरा नहीं करवा सकते। यानी सारी बातें पूरी होंगी तभी क्या करेगा, कोर्ट हेल्प करता है भाई, वरना तो नहीं। समझ गए? और एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी ऐसी बात का एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको पूरा किया जाना पॉसिबल है। ठीक है, मैंने अखबार में ऐड दिया है, मरे हुए को जिंदा कर दूंगा बाबा सुनील जैन, है ना, फीस 2 लाख रुपए। अब ऐसा एग्रीमेंट मैंने तुमसे कर लिया, क्या ये पूरा हो सकता है? जो गया तो गया भाई, है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या है, वही है, उनका कोई मतलब नहीं है। यानी ऐसी बातें जो हमें पहले से ही पता है जो पूरा हो ही नहीं सकती, तो ऐसे एग्रीमेंट करोगे तो कानून बोलता भाई जीरो बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें पहले से ही पता है हो ही नहीं सकता ये काम, तो बात ही खत्म हो गई। समझे कि नहीं? हाँ जी, डाउट्स बताइए, सारे पॉइंट पढ़ो 8 के 8, और कोई भी डाउट लग रहा है तो क्लियर करो पहले। एट्थ पॉइंट बता दूं, एट्थ मतलब ये वाला ना, एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, इसका मतलब बेटा जो एग्रीमेंट में आपसे कर रहा हूं वो ऐसी बात का एग्रीमेंट हो जिसको पूरा किया जा सकता है। जैसे कोई लड़का बोलता है किसी लड़की को, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, अब वो नहीं लाया भाई, कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब को बोलते बोलो जी इसको चांद तोड़ के लाया, को मजाक है क्या, चांद तोड़ के लाया, पूरा नहीं हो सकती बात, खत्म, है ना। हाँ लेकिन एक बार मैं वो देख रहा था, वो कोई टीवी सीरियल का वो फेसबुक पे डाल रखा था, किसी ने बोला चांद तोड़ के लाना, वो चांद सच्चे में तोड़ के ले आया था वो। हाँ वो इतना सा था चांद भी। दो और तीन दोबारा बता दो। दो में बेटा क्या कह रहे हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी ये इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए कि अगर हम किसी काम को पूरा ना करेंगे तो हमारे पे केस हो सकता है। मजाक की बात नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मतलब आप सीरियस होकर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। और थर्ड वाले में बताया था कंसीडरेशन, बेटा जब तक कंसीडरेशन नहीं होगा, बदले में कुछ नहीं होगा, तो क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों तरफ से कंसीडरेशन का होना जरूरी है। सेवंथ में क्या है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, क्लियर बात होनी चाहिए सारी। जैसे बताया ना, बाइक बेचूंगा लेकिन प्राइस फिक्स नहीं किया, तो वो पूरा नहीं हो सकता। कोई और डाउट? हाँ जी, ये ब्लैक ब्लैक सा क्या हो गया इसमें भाई, कैमरा के सामने? अच्छा कैमरा के ऊपर मक्खी बैठ गई, उड़ाना यार ये देखा, ये हाँ बस 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 भाई, मैंने सोचा ब्लैक ब्लैक क्या आ गया।
हाँ जी, जेन्युइन कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट, जो सामने वाले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ भरी है, तो उसको डराया धमकाया नहीं गया, ब्लैकमेल नहीं किया गया, झूठ नहीं बोला गया, उसने कोई गलती नहीं की है, अपनी मर्जी से उसने सहमति दी है, तो बोलेंगे फ्री कंसेंट है। अभी ये सारे के सारे पॉइंट ही हमारा पूरा चैप्टर है, सब कुछ आएगा ये। अभी जैसे देखो हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सबसे पहले पॉइंट क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब पूरा सेगमेंट इसके ऊपर चलेगा, ऑफर क्या होता है, ऑफर कब खत्म हो जाएगा, रिवोकेशन कब होता है, एक्सेप्टेंस कब होती है, एक दो पेज तीन पेज तो पूरे के पूरे इसके ऊपर बता रखे हैं। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंसिडरेशन, ये जितने पॉइंट बताए ना मैंने आपको, ये सारे के सारे जो है वो एक एक करके हमने डिटेल से पढ़ने हैं अभी सारे। ये देखो, ये कैपेसिटी वाला पॉइंट था, माइनर, लुनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे अभी हमारे पास। ये देखो, ये कोर्शन आ गया, अंडू इन्फ्लुएंस आ गया, सारी चीजें दोबारा के दोबारा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, अब जब पढ़ेंगे तो बेसिक आपको क्लियर हो गया तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे।